मेरी बीवी ने इतना जबरदस्त काढ़ा बनाया था कि मेरा जुकाम फट से गायब हो गया। अब निहार जी, मैं खाने की तैयारी देख कर आती हूँ। तुम ठीक हो? थैंक गॉड, ये शीशी बच गया। ये शीशी किस चीज की है रुचिता? ये एक इत्र है, वो बहुत बुरी स्मेल है इसकी, इसी को फेंकने जा रही थी मैं। इसे क्या हो गया अचानक से? और रुकने का कोई मतलब नहीं है, मुझे माँ से शीशी के बारे में पूछना ही होगा। बाहर पूरा गार्डन गंदा पड़ा हुआ है, सफाई नहीं हो सकती ठीक से तुम लोगों से। करते क्या रहते हो सारा दिन? हाँ, जाओ अभी जाकर सफाई करो। माँ। हाँ बोलो। माँ, वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो। माँ, वो दरअसल मैं आपसे ये। क्या? जल्दी बोलो। माँ। माँ, वो मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा है, आज क्या खाना बनाओ, आप थोड़ी सी हेल्प कर दोगे? रितु, चलो बताती हूँ। खाटू श्याम जी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए जिसके जरिए मैं माँ से इस शीशी के बारे में और उस पाखंडी के बारे में कुछ पूछ सकूं। माँ तो यहाँ नहीं है, शायद अपने कमरे में होंगी। सही मौका है, अभी जाके उनसे बात कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों ये बिन मौसम तूफान से मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन निहार जी के लिए ये सब नॉर्मल है। रुचिता, रुचिता, कहाँ हो तुम? रुचिता, क्या हुआ? पूनम, क्यों चिल्ला रही हो? माँ जी, ये रुचिता कहाँ है? इसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे परिवार के साथ इतना बड़ा खेल खेलने की? मॉम, क्या हुआ? रुचिता ने क्या किया? बुलाओ सही, खुद ही पता चल जाएगा कि क्या किया है उसने। माँ, मैं यहाँ हूँ। मॉम, पूनम, ये क्या कर रही हो तुम? अरे ऐसा क्या हो गया जो तुम इस पर हाथ उठा रही हो? जानते हैं आप लोग, जिस बाबा की वजह से हमारे घर में इतनी परेशानी आई, इतनी अशांति हुई, जिस बाबा की वजह से हम सब मौत के मुंह में जाते जाते बचे, उस बाबा को इस घर में कोई और नहीं बल्कि ये रुचिता लेकर आई है। क्या माई, क्या बोल रही है आप? उस बाबा को मैं नहीं लेकर आई। बस रहने दो रुचिता, अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए इतनी बातें बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारा ये घिनौना सच ना सबके सामने आ चुका है। तुम्हारी वजह से मेरा परिवार इतनी बड़ी परेशानी में पड़ सकता था, हमारे परिवार का नामो निशान मिट सकता था, इसलिए इस घर में मैं तुम्हें एक पल भी रहने नहीं दूंगी। लेकिन रुचिता, पूनम क्या सच बोल रही है? क्या तुम उस राक्षस को यहाँ लेकर आई थी? नहीं दादी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए। नहीं नहीं नहीं, तुम भरोसे के लायक हो ही नहीं रुचिता, हर बार तुमने हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ किया है। मॉम, प्लीज एक बार रुचिता को बोलने तो दीजिए। रुचिता बोलो, क्या कहना चाह रही हो? निहार जी, दरअसल उस बाबा को मैं नहीं बल्कि माँ लेकर आई थी। वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद की गलती पकड़ी गई है ना, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रही है। वो बाबा खुद मुझसे कह करके गया है कि उस बाबा को इस घर में ये रुचिता लेकर के आई है। मॉम, रुचिता ने ऐसा कुछ नहीं किया, ना ही वो यहां से कहीं जाएगी।
तो ये कहना चाह रहा है निहार कि तेरी माँ उस बाबा से मिली थी? नहीं दादी, पर एक मिनट मम, आपको बाबा ने कब बताया कि उसे रुचिता इस घर में लेकर आई? वो जब उसके जहर का असर हम सब पर हो रहा था ना, तभी उसने आकर मुझसे मेरे कानों में ये बात कही थी कि उसे इस घर में ये रुचिता लेकर के आई है। लेकिन मेरा दिल, मैंने फिर भी उस पर यकीन नहीं किया। मैं रुचिता के कमरे में गई, मैंने खुद उसकी अलमारी की तलाशी ली और फिर जब मुझे सबूत मिला तब मैं आप सबसे ये बात कह रही हूँ कि इस घर में उस बाबा को ये रुचिता ही लेकर के आई है। माँ, मैं भी आप पर बेबुनियाद इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। उस बाबा ने मुझे भी बताया था और फिर आपके कमरे से भी मुझे सबूत मिला। क्या? आखिर सबूत क्या है? रितु। जी माँ। तुम चलो, मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। ठीक है। इससे पहले कि रुचिता मुझसे सवाल करे, मुझे उस पर उंगली उठानी होगी। तुमने भले ही उस बाबा को हरा दिया हो रुचिता, लेकिन मैं उस बाबा की तरह कच्ची चाली नहीं चलती जो इतनी आसानी से तुमसे हार जाओ। ये दोनों एक जैसी शीशियां हमारे पास कैसे? बिल्कुल, ये शीशियां दिखने में भी एक जैसी हैं और इन पर बने हुए बिच्छू के निशान भी एक जैसे हैं। हो ना हो, ये जरूर उस पाखंडी की चाल है। खुद तो इस घर से चला गया लेकिन इस घर में फूट डाल गया। हाँ यार, माँ और रुचिता को एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर गया वो, ताकि इस घर में सुख शांति ना हो। माँ प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं कैसे उस बाबा की बातों में आकर मैंने आप पर शक किया।